नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 8 पौधों के भाग और उनके कार्य के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पौधों के भाग और उनके कार्य। पाठ में पेड़ पौधों के भाग और उनके कार्यों की जानकारी के बारे में बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता ये है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से पौधे और उनके भाग, जड़, तना, पत्ती, पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं, फल, सब्जियों, अनाज, लकड़ी, औषधि पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि छात्रों को 7 समूह में पहले से ही बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्नों जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र प्रश्न बैंक में किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे पौधे की नींव क्या कहलाती है, जड़, मनी प्लांट के पौधे का तना कैसा होता है, कोमल, पत्तियां, फूल और फल कहाँ लगते हैं, शाखाओं पर, तने के अंदर क्या पाया जाता है, नलिकाएं, पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। इस प्रकार अनेक प्रश्नों की सहायता से छात्र एक प्रश्न बैंक तैयार करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन कर लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले फल, फूल, जड़ों, रंग, गंध, फलों के आकार में वृद्धि आदि की जानकारी को पहचानते हैं। पशु पक्षियों, पेड़ पौधों व विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस प्रकार प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच जो संवाद करते हैं उससे एक सेतु का निर्माण होता है, तथा तर्क करने, प्रश्न पूछने और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ पौधों के भाग और उनके कार्य को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।